अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शेफ अजीहा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो टॉट्स और इसके लिए हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की नीड है। चलिए चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। आलू मैंने उबाल लिए थे और उसे मैश कर लिया है और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक। नमक आपने हसबे जायका ऐड करना है। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया चॉप कर लिया था मैंने, प्याज 1/4 कप चॉप हुई हुई, कॉर्नफ्लोर 1/4 कप और पुदीना मैंने लिया है 1/4 कप। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने उबले हुए आलू में ऐड किए और इसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये बहुत झटपट सी रेसिपी है और बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की आपको नीड नहीं है, जस्ट सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स हैं आज की रेसिपी के। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे हम अपनी मर्जी की शेप देंगे और सिंपल इसे करेंगे फ्राई। सबसे पहले हम इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब मैं इसका छोटा सा पीस लूंगी और इसे अपनी मर्जी की शेप दूंगी। मैं दे रही हूँ इस वक्त सिलेंडर, छोटे सिलेंडर की शेप। आप अपनी मर्जी से इसे सर्कल में भी बना के फ्राई कर सकते हैं और कबाब की तरह भी इसे फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको अपनी मर्जी की शेप देनी है। सारे टॉट्स अब मैं रेडी करती हूँ और देन हम करेंगे इसे फ्राई। मैंने कर लिया था ऑयल ऐड और इसे मैंने हीट करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और टॉट्स भी हमारे रेडी हैं, तो अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। और आपने टॉट्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। टॉट्स हमारे रेडी हो गए हैं, इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये बहुत क्रिस्पी से बनते हैं और अब मैं इन्हें निकालूंगी और करूंगी सर्व। और सर्व करके आपको दिखाती हूँ मैं इनका फाइनल लुक। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर टुडेज रेसिपी पोटैटो टॉट्स। और ये बहुत झटपट से रेडी हो जाते हैं और पोटैटोज किसे पसंद नहीं होते, बच्चों को भी पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं। सो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको पता लग जाए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।